मित्रों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक वीडियो मैं दिखा रहा हूं। ये वीडियो सूरज रावत जी सीतापुर से भेजे हैं ग्रुप में, और ये बहुत अच्छा लगा वीडियो देख करके। देखिए अंग्रेज के जमाने में कि चौकीदार कैसे होते थे। मैं भाई जिस भी चैनल का ये वीडियो है उनसे निवेदन करना चाहूंगा, भैया स्ट्राइक मत मार दीजिएगा। हल्का सा ये पूरा नहीं दिखा पाएंगे भाई, क्योंकि स्ट्राइक लग सकता है। हल्का सा क्लिपिंग दिखाएंगे। इतना सम्मान करते थे, मतलब पुलिस अधिकारी वगैरह सब लोग। और आज मेरा चौकीदार कहां गड्ढे में कूदा हुआ है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। इसलिए कहता हूं चौकीदार बंधुओं, आप पहले जैसे ही बन जाओ आप यकीन मानिए कि आपका मान सम्मान होगा। पहला, ईमानदारी से काम करो। दूसरा, अपने सीनियर का सम्मान करो। तीसरा, गांव में कोई भी सूचना होती बेखूबी ईमानदारी से दो। 150 के चक्कर में बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। जैसे मैं आज आपके लिए निस्वार्थ मर रहा हूं, तो ऐसे आप भी सोच लो कि मैं सेवा कर रहा हूं जनता की। तो कुछ कार्य ऐसे करो, अपने आप आपका सम्मान होगा। और खासकर अयोध्या के चौकीदारों को मैं कहना चाहता हूं, अयोध्या बाराबंकी जितने भी आसपास के जिले हैं, कि राम मंदिर 22 तारीख को वहां पर हो रहा है, तो आप लोग हो सके तो भगवान राम के लिए जितना हो सके उतना योगदान करें। मतलब आपके पास वर्दी है तो वर्दी में पहन करके आप वहां की देखभाल करें, और पुलिस से मिल करके बताएं, उनको कार्ड दिखाएं, अपना कार्ड डाल लें, दिखाएं कि सर मैं सहयोग करना चाहता हूं। आप सहयोग करिए, भगवान के लिए सहयोग करिए। मैं यकीन मानिए, जब आप अधिकारियों के नजर में आएंगे सारी चीजें होंगी, वीडियो बना के मुझे भेजिए, मैं चलाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये सब अच्छे काम करिए, आपका समय पहले जैसा ही हो जाएगा मेरे भाई। बस कुछ चीजों पे सुधार कर लो। जैसे मैं देखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ग्राम प्रहरी, कुछ ग्राम प्रहरी ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों की वजह से हमारे कई लोगों का सम्मान जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कितना सम्मान इस क्लिप में हो रहा है, देखिए आप लोग इतना। देखिए बड़ी सरकार के आते ही मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। ये लोग यहाँ क्यों आए? देख लिया, ये सम्मान आपको मिलेगी। मतलब अगर कोई इंस्पेक्टर कोई भी है तो पूछे कि क्यों चौकीदार, आज का क्या मामला है, क्या दिक्कत, तो कितना गर्व होगा। तो कुछ अच्छा बनना है हम लोगों को, और एक चमत्कार दिखाना है। और मैं ये जो कार्ड की प्रक्रिया ला रहा हूँ ना मेरे भाई, देख लेना, एक दिन तहलका मचा देंगे समाज में। ये कार्ड आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा, इस बात को याद रखना। क्योंकि ये कार्ड, देखिए मैं तो एक बात सीधे कहता हूं, मेरे लिए पैसा अहमियत नहीं रखता। कार्ड का खर्चा अगर आपको लगता है तो आप दीजिए, नहीं लगता अगर आप नहीं देने लायक मुझे बताइए, मैं बना के दूंगा। लेकिन कार्ड जरूर बनवा लीजिए। उस कार्ड से ये होगा कि आप सीरियल नंबर के साथ हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे भाई, तो मैं आपके लिए कार्य अच्छे से कर पाऊंगा कि भाई कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़े हैं। इसमें बिल्कुल भी उल्टा सीधा मानसिकता मत लगाना, क्योंकि ये कोई धंधा नहीं है, ये आपके हित के लिए ही सोच रहा हूं। मैं हमेशा ऐसी ऐसी स्कीमें लाने का प्रयास करता हूं कि ताकि आप लोग बस भाई ये बताइए, आप 150 रुपया थूकते हो खा खा करके, और अगर आपके भविष्य में कहीं लग जा रहा है ना, तो ये कोई पाप नहीं है। अनु त्रिपाठी अपने घर के लिए नहीं मांग रहा, ना मैं मांग रहा हूं, ना मुझे चाहिए, लेकिन आप लोग कार्ड जरूर बनवाइए, ये मेरा निवेदन है। मैंने दूसरे वीडियो में नंबर डाले, आप नंबर पर संपर्क कर लो, और अगर हमारा नंबर है आपके पास तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा, आपका कार्ड बन जाएगा, बात खत्म, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने आपके अपने ग्राम प्रहरी से ज्यादा वो कार्ड पावरफुल आपको मिलेगा, और इसमें कई जनों को जो स्कीमें आएंगी फायदे मिलेंगे, वो सब मिलेंगे भाई। जब कभी मीटिंग बड़े लेवल पर करूंगा तो सब समझाऊंगा मैं, ठीक है बंधु। और देखिए आज ये वीडियो देखा तो बड़ा अच्छा लगा, प्रसन्नता मिली मेरे भाई। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को मोटिवेट करें।